पिंकिश और रेड कलर के जैसा होता है और खाने में बहुत ही मीठा होता है। तो दोस्तों अगर आप चकोतरा का पौधा अपने छत के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आपको एक ग्राफ्टिंग वाला पौधा खरीदना पड़ेगा, देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत बड़ा फ्रूट। फ्रूट को देखकर आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि ये क्या है और इसका नाम क्या है। अगर नाम नहीं पता है आप लोगों को तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये है दोस्तों पोमेलो का पौधा, जिसे चकोतरा कहते हैं। हमारे इलाके में इसे आमतौर पर चकोतरा कहा जाता है और इसका नाम है पोमेलो। दोस्तों इसका आप साइज़ देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा इसका साइज़ देखकर। देखिए दोस्तों ये मेरा हाथ है, हाथ को पूरा ढक दे रहा है ये फ्रूट। दोस्तों इस पौधे में चार फ्रूट मेरा लगा हुआ था, दो फ्रूट धूप की वजह से गिर गया था लेकिन दो फ्रूट इस पौधे में लगा हुआ था। देखिए इसका एक डंडी अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये फ्रूट पक चुका था तो इसको हमने हार्वेस्ट कर लिए थे, इसका वीडियो हम नहीं बना पाए थे। तो दोस्तों आज मैं इस फ्रूट का वीडियो बना रहा हूँ। ये जो पौधा लगा हुआ है दोस्तों मेरे छत के ऊपर लगा हुआ है एक प्लास्टिक के बाल्टी में। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि चकोतरा छत के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये यकीन करने वाली बात है, आपको यकीन करना ही पड़ेगा। देख सकते हैं ये पौधा इस 25 लीटर के बाल्टी में लगा हुआ है। दोस्तों ये जो बाल्टी है 25 लीटर का बाल्टी है। दोस्तों इस पौधे को हमने लगाए थे डेढ़ साल पहले। दोस्तों डेढ़ साल के बाद जब इस पौधे का एज था 8 महीना, तो इसमें फूल आना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों ये एक बारहमासी वेराइटी है। ये जो फ्रूट यहाँ पर था ये पहले ही पक चुका था 2 महीना पहले, लेकिन ये फ्रूट अभी भी कच्चा है और इधर अभी भी फूल आ रहा है इस पत्ती के साथ। ये तो बहुत ऊंचा हो गया है तो आपको मैं ऊपर से दिखा नहीं पाऊँगा, उस पत्ती के साथ अभी भी फूल आ रहा है। तो ये एक बारहमासी चकोतरा का वेराइटी है। इसको काटने पर अंदर थोड़ा लाल होता है, ज़्यादा लाल नहीं, पिंकिश और रेड कलर के जैसा होता है और खाने में बहुत ही मीठा होता है। तो दोस्तों अगर आप चकोतरा का पौधा अपने छत के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आपको एक ग्राफ्टिंग वाला पौधा ख़रीदना पड़ेगा। देख सकते हैं इस पौधे का ग्राफ्टिंग यहाँ पर है, यहाँ से यह पौधा उठकर इतना बड़ा हो गया है। तो दोस्तों चकोतरा छत के ऊपर हो सकता है, ये एकदम 100% हो सकता है। देख सकते हैं आपके आँखों के सामने है चकोतरा का पौधा। जब इस पौधे को हमने लगाए थे तो इस पौधे के मिट्टी में सिर्फ और सिर्फ 70% मिट्टी और 30% गोबर की खाद से हमने इस पौधे को लगाए थे। दोस्तों मेरे गार्डन में जितना भी पौधा है सभी पौधे को मैं 70% मिट्टी और 30% गोबर की खाद से ही लगाता हूं और 15 दिन में एक बार सरसों के खली का पानी का इस्तेमाल करता हूं लाल पोटास को मिक्स करने के बाद। तो दोस्तों सरसों के खली के पानी को लेकर एक वीडियो मेरा कल परसों आने वाला है, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि अगर आप बड़ा फ्रूट वाला पौधा भी छत के ऊपर लगाना चाहते हैं शौक से तो आप लगा सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा आपको कि जिस फ्रूट में बहुत बड़ा बड़ा फ्रूट होगा तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रूट आएगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ्रूट नहीं आएगा, लेकिन 5-7 फ्रूट तो ज़रूर आएगा। जैसे कि इस पौधे में मेरा 4 फ्रूट था और इस फ्रूट प्लांट का फ्रूट का साइज छोटा है, तो आप इसमें फ्रूट देख सकते हैं 100 के तादाद में फ्रूट आया है। दोस्तों ये चाइनीज़ ऑरेंज का पौधा है और ये पोमेलो का पौधा है। दोस्तों इसके अलावा मेरे गार्डन में बहुत ही सारा फ्रूट प्लांट है। दोस्तों फ्रूट प्लांट के साथ साथ मेरे पास सब्जियों वाला पौधा भी है और फूलों वाला पौधा भी है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपको एक छोटे से वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। ये एक आम का पौधा है, इसको लेकर एक वीडियो आने वाला है। ये एक बारहमासी आम का पौधा है। दोस्तों ये कौन सा वेराइटी है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ, तब देख के लिए बाय बाय। गार्डनिंग करते रहिए और खुश रहिए।